हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एक्सप्लेन SST चैप्टर 8 आर हेल्पर्स। ओके, जैसे कि हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं जिनको अलग अलग डिफरेंट वर्क करते हुए देखते हैं, तो इन पीपल से हमको हेल्प मिलती है। फर्स्ट आई रीड दिस चैप्टर, दिस इज़ योर चैप्टर। ओके, लुक एट हियर, आवर नेबरहुड हैज़ अ लॉट ऑफ पीपल हेल्प अस इन अ डिफरेंट वे। हमारे नेबरहुड यानी हमारे आसपास हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। दे आर कॉल आर हेल्पर्स, और उन्हें हम अपना हेल्पर्स कहते हैं। दे मेक आर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल, वो हमारे लाइफ को ईजी बनाते हैं और सुविधाजनक। हियर आर सम ऑफ द हेल्पर्स हु हेल्प अस इन आर एवरी डे लाइफ। यहाँ कुछ आप हेल्पर्स हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है जो हमारे डेली लाइफ को ईजी बनाते हैं। फर्स्ट इज टीचर, आप सभी जानते हो अच्छी तरह से, तो टीचर टीचेस एट स्कूल, टीचर स्कूल में पढ़ाती हैं। और डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी फॉल सिक, और जब हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर हमको हमारा इलाज करते हैं। अ पुलिसमैन हेल्प्स टू कीप अस सेफ, and the policeman is also important helpers in our life. They help us to keep us safe, रखते हैं, जैसे चोर है, लुटेरे हैं, इनसे हमें बचाते हैं। In the next page, a firefighter puts out a fire. Firefighter यानी कि आग बुझाने वाले, जो दमकल जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो कहीं भी आग लगी होती है वो बुझाने का काम करते हैं। Tailor stitches our clothes, हमारे कपड़े सिलता है। मिल्कमैन डिलीवर्स अ मिल्क, मिल्कमैन जो है हमारे घर तक दूध पहुंचाने का काम करता है। फिर न्यूज़पेपर मैन, जो हमारे घर के दरवाजे तक सुबह सुबह हमें अपने पूरे शहर की, पूरे इंडिया दुनिया की खबरें हमारे यहाँ तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो न्यूज़पेपर भी एक हेल्पर्स ही है हमारे लिए, हमें सारी जगह की खबर मिल जाती है। अ मेड हेल्प्स इन आर हाउस होल्ड कोर्स, मेड यानी जो काम घर में काम करने वाली जो बाई है, वो भी हमारे घर का जो डेली के जो काम है, रूटीन जो है, झाड़ू पोछा, इन सब कामों को करके हमारी हेल्प करती है। अ वॉशरमैन वॉशेस आयरन आर क्लोथ्स। अ कोबलर जो है, कोबलर यानी कि मोची, जो हमारे फटे हुए जूते चप्पलों को सिलते हैं। एंड द लाइब्रेरियन हेल्प अस टू चूज़ अ बुक्स इन द लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में देखा होगा बहुत सी बुक्स होती हैं, तो हमें लिए डिफ़िकल्ट होता है बुक्स ढूंढना, तो लाइब्रेरियन जो है वो हमें बुक्स ढूंढ कर देता है। एंड आर्किटेक्ट डिज़ाइन अ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट जैसे हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, घर हैं, ठीक है, तो इन सब की जो डिज़ाइन है, जो पहले पेपर पर वर्क किया जाता है, डिज़ाइन बनाई जाती है, उससे जो डिज़ाइन बनाने वाले को हम कहते हैं आर्किटेक्ट। अ मैसोन, मैसोन बिल्ड्स आर होम्स, हमारा जो घर है, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास घर बनते हुए, तो देख अब जो मैसोन, उसे हम मैसोन कहते हैं। अ प्लम्बर फिक्स द पाइप एंड टैप्स, प्लम्बर जैसे घर बन जाता है या आपके यहाँ कोई लीकेज है पाइप में या नल में कोई प्रॉब्लम है, तो इसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्लम्बर। एंड इलेक्ट्रिशियन फिक्स एंड रिपेयर्स लाइट्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, एंड इलेक्ट्रिशियन जो है वो क्या करता है, जैसे लाइट है, फैन है, इनको रिपेयर करने का काम करना है, उन्हें लगाना, घर में वायरिंग करना, तो ये सारे वर्कर जो है हमको हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। एंड वी शुड टॉक पोलाइटली टू आर हेल्पर्स, वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड बी काइंड टू देम, हमें इन सभी जो वर्कर्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, उन सबसे पोलाइटली बोलना चाहिए, नर्म होकर बोलना चाहिए, उन सभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड वी शुड थैंक देम फॉर देयर सर्विस, और हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए उनकी सेवा के लिए। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये है आपका बुक वर्क, इसे अपने को बुक में करना है, और यहाँ दिया गया है आपका, ये है आपका कॉपी वर्क जिसको नीटली आपको
SST की कॉपी में करना है। आई होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।